जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2012 में आई एक स्लैशर हॉरर फिल्म स्माइली के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक बेबी सिटर दिखाई जाती है जो अपनी जॉब पे होती है। जिस लड़की को वो बेबी सिट कर रही होती है वो एक हाइड एंड गो नाम की साइट खोल के बैठी होती है, जहां वो स्ट्रेंजर्स से बातें कर रही थी। वो बेबी सिटर जब उससे पूछती है कि वो क्या कर रही है, तो वो निब्बी उसे उस साइट के बारे में बताती है। वो कहती है कि इस साइट पे स्ट्रेंजर्स मिलते हैं जिससे वो वीडियो चैट कर सकते हैं। वो उसे ये भी बताती है कि उस साइट से वो एक अर्बन लेजेंड को बुला सकते हैं। अगर कोई चैट पे 3 बार आई डिड इट फॉर द लुल्स लिखता है तो एक स्माइली फेस वाला किलर वहां आके स्ट्रेंजर को मार डालता है। वो बेबी सिटर ये सुन के डर जाती है, लेकिन उसे इस पे विश्वास नहीं होता। रात को जब वो बेबी सिटर अकेली होती है तो वो उसी साइट पे एक स्ट्रेंजर से बातें करती है। तभी उसे लगता है कि उसके घर में कोई है, तो वो अपना घर चेक करती है लेकिन वहां कोई नहीं होता। जब वो वापस आती है तो वो स्ट्रेंजर 3 बार आई डिड इट फॉर द लुल्स लिखता है, जिससे वो स्माइली फेस वाला किलर वहां आ जाता है और बेबी सिटर को मार डालता है। उसके बाद हमें एशली नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसने हाल ही में कॉलेज ज्वाइन किया था। उसका डैड उसे उसकी फ्रेंड प्रॉक्सी के घर छोड़ने आया होता है और उसे कहता है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे कॉल कर सकती है। उसका डैड उससे प्यार करता था और अब उसकी बेटी उससे दूर रहने वाली थी, इसीलिए वो रोने लगता है। एशली अपने डैड को गले लगा लेती है और उनसे कहती है कि वो अच्छे से रहेगी। एशली जब अंदर जाती है तो उसे उसकी दोस्त प्रॉक्सी मिलती है जो एक मॉडर्न लड़की थी। वो एशली से कहती है कि आज रात वो एक पार्टी में जा रही है जहां उसे भी उसके साथ चलना होगा। एशली पहले तो उसे मना करती है, लेकिन बाद में उसे फील होता है कि वो अब कॉलेज में है तो वो कुछ भी कर सकती है, इसीलिए वो पार्टी में जाने के लिए राजी हो जाती है। रात को जब वो दोनों पार्टी में जा रही होती हैं तो प्रॉक्सी एशली को स्मोक कराती है और उसे बताती है कि जिस पार्टी में वो जा रहे हैं वो एक एनोनिमस साइट पार्टी है जहां स्ट्रेंजर्स आएंगे, यानी जिन स्ट्रेंजर्स से वो साइट पे मिलते हैं वो वहां आएंगे। जब वो पार्टी में पहुंचती हैं तो उन्हें वहां जेन नाम का लड़का मिलता है जिसने वो पार्टी ऑर्गेनाइज कराई थी। जेन उन्हें उनके साथ बेडरूम में चलने के लिए कहता है तो वो दोनों उसे मना कर देती हैं। एशली वहां कुछ किताबें देखती हैं जो कुछ सोसाइटीज के बारे में थी। वो जेन से उन किताबों के बारे में पूछती है तो जेन उसे बताता है कि वो इन सब में काफी इंटरेस्ट रखता है क्योंकि शायद ये चीजें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। तभी वहां बाइंडर नाम का लड़का आता है जो कि काफी शरीफ होता है। एशली को वो काफी पसंद आता है तो वो उससे बात करने जाती है। तभी कुछ बंदे वहां आके बाइंडर का मजाक उड़ाने लगते हैं तो वो वहां से चला जाता है। उसके बाद एक बंदा हाइड एंड गो चैट साइट खोल के किसी स्ट्रेंजर से बातें करता है जो कोई और नहीं बल्कि वो बेबी सिटर होती है। ये बंदा 3 बार आई डिड इट फॉर द लुल्स लिखता है, जिससे स्माइली वहां आके उस बेबी सिटर को मार डालता है। यानी दोस्तों स्टार्टिंग में वो बेबी सिटर इसी से बात कर रही थी। एशली जब ये देखती है तो चिल्लाने लगती है क्योंकि वो काफी डर गई थी। प्रॉक्सी उसे बताती है कि ये एक अर्बन लेजेंड है जिसका नाम स्माइली है। जब कोई 3 बार आई डिड इट फॉर द लुल्स लिखता है तो स्माइली वहां आके उसे मार डालता है। एशली ये सुन के हंसने लगती है क्योंकि उसे ये सब प्रैंक लगता है। अगले दिन एशली कॉलेज जाती है जहां प्रोफेसर क्लास ले रहा होता है। क्लास खत्म होने के बाद एशली प्रोफेसर के पास जाके उससे सारे असाइनमेंट्स मांगती है क्योंकि वो सबसे पहले असाइनमेंट खत्म करना चाहती थी। प्रोफेसर उसे कहता है कि उसने अभी तो कॉलेज ज्वाइन किया है तो वो एंजॉय करे, असाइनमेंट तो होता रहेगा। रात को प्रॉक्सी एशली को बताती है कि कल रात स्माइली ने एक और बंदे को मार गिराया है। वो एशली को उसकी वीडियो दिखाती है जो एक बंदे की होती है जो कल उनके साथ पार्टी में था। एशली ये देख के डर जाती है और उसे लगने लगता है कि स्माइली रियल है। वो पुलिस को कॉल करने का सोचती है तो प्रॉक्सी उसे मना कर देती है क्योंकि स्माइली का होने का उनके पास कोई सबूत नहीं था। उसके बाद वो दोनों फैसला करती है कि वो साइट पे जाके किसी पे वो ट्राई करेंगी जिससे उन्हें पता चल सकेगा कि स्माइली
मेरी रियल है या नहीं। वो साइट पे जाके किसी रैंडम बंदे से चैट करती हैं और 3 बार आई डिड इट फॉर द लुल्स लिखती हैं। तभी वहाँ स्माइली आ जाता है और उस बंदे को मार डालता है। ये देख के वो दोनों डर जाती हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि स्माइली रियल है। एशली प्रॉक्सी से कहती है कि स्माइली ने उन्हें देख लिया है तो वो उनके पीछे आएगा। प्रॉक्सी उसे कहती है कि उनकी वजह से एक मासूम की जान गई है, तो ये बात सिर्फ उन दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। तभी एशली के डैड का कॉल आता है तो वो उनसे बात करती है। उसे गिल्ट होता है कि उसने एक आदमी को मरवा दिया है, तो ये बात वो अपने डैड को बताने ही वाली होती है कि वो प्रॉक्सी को उसके पास खड़ा देखती है। ये देख के वो अपने डैड को कहती है कि वो ठीक है और फोन काट देती है। अगले दिन क्लास में प्रोफेसर बच्चों को हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ाता है। दोस्तों, हाइपोथेसिस का मतलब होता है किसी तथ्य को समझने के लिए मान ली जाने वाली बात। क्लास में एशली स्माइली का स्केच बना रही होती है क्योंकि वो उसके दिमाग में घूम रहा होता है। प्रोफेसर जब एशली को उसके हाइपोथेसिस के बारे में पूछता है तो वो उससे पूछती है कि अगर उनका अनुमान सही निकल गया तो क्या होगा। तभी एक लड़का उसके सवाल का मजाक उड़ाने लगता है जिससे उसको उसका जवाब नहीं मिल पाता। जब एशली लाइब्रेरी में होती है तो उसे बाइंडर वहां दिखता है। वो उसके पास जाके उससे बात करती है, जहां बाइंडर उसे बताता है कि उसे लगता है कि स्माइली रियल है और उसने भी उन मर्डर्स की वीडियोस देख रखी हैं। ये सुन के एशली उससे दोस्ती कर लेती है और उसे अपना नंबर भी देती है। रात को प्रॉक्सी एशली को फिर उसके साथ उसी पार्टी में चलने के लिए कहती है तो वो राजी हो जाती है। पार्टी में एशली जेन और उसके दोस्तों से पूछती है कि क्या स्माइली रियल है, तो वो सब उस पे हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि स्माइली रियल नहीं है। जेन एशली को अपने साथ ले जाता है और उसे बताता है कि उसे लगता है कि स्माइली रियल है क्योंकि कल रात को स्माइली ने उसके दोस्त को मार डाला है और उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली है। तभी ज्यादा पीने की वजह से एशली को चक्कर आने लगते हैं तो वो अकेले ही घर जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे ऐसा फील होता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी वो स्माइली को अपने सामने पाती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से भाग के अपने घर पहुँचती है। तभी वहाँ स्माइली आके उस पे हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी प्रॉक्सी वहाँ आती है तो एशली उसे बताती है कि कल रात स्माइली ने उसे मारने की कोशिश की। प्रॉक्सी को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि वो हैलुसिनेट कर रही है। उसके बाद एशली एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है और उसे अपनी परेशानी बताती है। साइकाइट्रिस्ट उसे कहती है कि ये सब बस उसका हैलुसिनेशन है और कुछ नहीं। एशली जब साइकाइट्रिस्ट से मिल के वापस आती है तो प्रॉक्सी उसे बताती है कि स्माइली ने एक और मर्डर कर दिया है। वो दोनों जेन के घर जाती हैं, जहां जेन उन्हें बताता है कि स्माइली ने उसके एक और दोस्त का मर्डर कर दिया है और उसे लगता है कि वो अब उसके पीछे आएगा, इसीलिए उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक गन रखी हुई है। वो एशली को बताता है कि वो एक हैकर है और उसे लगता है कि उससे बदला लेने के लिए कोई एजेंसी ऐसा कर रही है। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। रात को सोते वक्त एशली को स्माइली का सपना आता है तो उसकी नींद खुल जाती है। अगले दिन वो प्रोफेसर से इस बारे में बात करने जाती है तो वो उसकी नहीं सुनता क्योंकि वो जल्दी में होता है। एशली नेट पे स्माइली अर्बन लेजेंड के बारे में सर्च करती है, जहां उसे कई सारी वीडियोस मिलती हैं स्माइली के मर्डर की। तभी वहां बाइंडर आता है तो वो उसे बताती है कि स्माइली ने उसे मारने की कोशिश की थी। बाइंडर उसे कहता है कि क्या पता वो रियल है भी या नहीं। ये सुन के एशली भड़क जाती है और वहां से चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे उसकी फिक्र नहीं है। रात को एशली उसी साइट पे जाती है जहां वो स्माइली को देखती है जो उसे घूर रहा होता है। वो उससे पूछती है कि वो कौन है, तो वो उससे कहता है कि क्या वो चाहती है कि वो फिर उससे मिलने आए। एशली उससे पूछती है कि वो कहाँ है, तो वो लिखता है कि वो उसके पीछे खड़ा है। जब एशली पीछे देखती है तो वहाँ प्रॉक्सी होती है जो उसका लैपटॉप बंद कर देती है और उसे वो साइट दोबारा ना खोलने के लिए कहती है। अगले दिन एशली साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है और उसे बताती है कि उसे स्माइली हर जगह दिख रहा है। साइकाइट्रिस्ट उसे कुछ दवाइयाँ दे के वहाँ से भेज देती है। कॉलेज में एशली बाइंडर को मैसेज करती है और उससे माफी मांगती है कल के लिए। बाइंडर उसे टेक्स्ट करता है और कहता है कि वो भी डरा हुआ है। उसके बाद वो प्रोफेसर से मिलने उसके कैबिन में जाती है और उससे पूछती है कि क्या इस दुनिया में इविल एग्जिस्ट करता है। प्रोफेसर उससे कहता है कि हाँ, इविल इंसान होते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। प्रोफेसर की नीयत ठीक नहीं होती है तो वो अपने कैबिन की खिड़कियां बंद कर देता है। तभी एशली उसकी नीयत समझ जाती
जाती है और वहां से चली जाती है। लाइब्रेरी में एशली जब प्रोजेक्ट बना रही होती है तो उसे लगता है कि स्माइली उसे पुकार रहा है। गुस्से में आके वो अपना लैपटॉप तोड़ देती है और बच्चे उसकी वीडियो बना लेते हैं। रात को सोते समय एशली स्माइली को अपने सपने में देखती है जिससे वो बहुत डर जाती है। उसे स्माइली रियल लगता है तो वो पुलिस से मदद मांगने का सोचती है। वो पुलिस स्टेशन जाके डिटेक्टिव को सब बताती है लेकिन वो डिटेक्टिव उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता। वो उसे उसकी लैपटॉप तोड़ने वाली वीडियो दिखाता है और कहता है कि ये वीडियो साबित करती है कि वो अपने मेंटल स्टेट में नहीं है। वो उसे कहता है कि जो भी वो देख रही है वो सिर्फ उसका हेलुसिनेशन है तो पुलिस इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। दोपहर को बाइंडर एशली के घर आता है क्योंकि एशली ने उससे फुली इक्विप्ड कंप्यूटर मंगाया होता है क्योंकि उसे ये स्माइली की गुत्थी सॉल्व करनी थी। वहां उन दोनों के बीच रोमांस होने ही वाला होता है कि तभी प्रॉक्सी वहां आ जाती है और बाइंडर वहां से चला जाता है। प्रॉक्सी कुछ दिनों के लिए अपने घर जाने वाली होती है तो वो एशली से विदा लेती है। रात को एशली प्रॉक्सी से वीडियो चैट करती है जहां प्रॉक्सी उसे बताती है कि ज़ेन उसका कॉल नहीं उठा रहा है। आज रात वो वीडियो कॉल पे कुछ स्टफ करने वाले थे लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा है। ये सुन के एशली को लगता है कि स्माइली ने शायद ज़ेन को मार दिया होगा, इसीलिए वो प्रॉक्सी की कॉल पिक नहीं कर रहा है। वो तुरंत ज़ेन के घर जाती है जहां उसे उसकी लाश मिलती है। तभी ज़ेन का मॉनिटर स्टार्ट होता है और स्माइली वहां आके एशली को पुकारता है जिसे देख के वो डर जाती है और वहां से भाग जाती है। वो पुलिस स्टेशन कॉल करती है लेकिन डिटेक्टिव उसकी बात नहीं सुनता। एशली ज़ेन की गन लेके घर आती है और प्रॉक्सी को बताती है कि स्माइली ने ज़ेन को मार डाला है। वो प्रॉक्सी से कहती है कि अब वो ये किस्सा खत्म कर देगी। वो प्रॉक्सी से उसकी चैट पे 3 बार आई डिड इट फॉर द लुल्स लिखवाती है और स्माइली के वहां आने का इंतजार करती है। तभी उसके गेट पे कोई आता है तो वो उसे शूट कर देती है। जब वो वहां जाके देखती है तो वो बाइंडर होता है जिसे उसने गोली मार दी थी। एशली को एहसास होता है कि उससे गलती हो गई है तो वो रोने लगती है। तभी स्माइली वहां आता है और बाइंडर की गर्दन काट डालता है। ये देख के एशली डर जाती है और घर में भाग जाती है। एशली गन चलाने की कोशिश करती है लेकिन उसमें गोलियां खत्म हो गई थी। तभी वो ढेर सारे स्माइलीज को अपने पास देखती है जिनसे डर के वो खिड़की से कूद जाती है जिससे उसका काफी खून बहने लगता है। उसके बाद वो सभी स्माइली अपना मास्क हटाते हैं और हम देखते हैं कि ये सभी लोग ज़ेन के दोस्त हैं, इंक्लूडिंग वो बेबी सिटर, और ज़ेन उनका लीडर है और प्रॉक्सी भी उनसे मिली हुई है। ज़ेन प्रॉक्सी को बताता है कि उनका प्रैंक कामयाब हुआ और एशली मर चुकी है। तभी बाइंडर वहां आता है जो जिंदा होता है और वो भी इन लोगों से मिला हुआ था। ज़ेन उन सबको बताता है कि कल ये बात न्यूज में आएगी और स्माइली एक सेंसेशन बन जाएगा। उसने कई स्माइली मास्क कैंपस में रख दिए हैं ताकि सभी लोग स्माइली बन सके। अब सब स्माइली बनेंगे और स्माइली एक वायरल सीरियल किलर बन जाएगा जिसकी कोई पहचान नहीं होगी। वो सभी कहते हैं कि एनोनिमस की जीत हुई। तभी प्रॉक्सी ज़ेन से कहती है कि उसने एशली को क्यों मारा तो वो 3 बार आई डिड इट फॉर द लुल्स लिखता है जिससे वो सब हंसने लगते हैं। तभी एक स्माइली प्रॉक्सी के पीछे आता है और उसे मार डालता है। ये देख के ज़ेन हैरान हो जाता है क्योंकि उसके प्रैंक के चलते उसकी गर्लफ्रेंड मर गई थी। उनके इस प्रैंक की वजह से बहुत सारे लोग स्माइली के कॉपीकैट बन गए थे। एंड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एशली अभी जिंदा है और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहां एनोनिमस ग्रुप के हैकर्स ने स्माइली नाम के किलर को जन्म दिया। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि एनोनिमस एक इंटरनेशनल हैक्टिविस्ट ग्रुप है जो हैकिंग के लिए जाना जाता है। ये गवर्नमेंट पे साइबर अटैक करते हैं और उनकी साइट्स को हैक कर लेते हैं और ये एक ऑनलाइन कम्युनिटी है। दोस्तों इनका मानना है कि ये हैकिंग करते हैं लुल्स के लिए यानी मजे के लिए और यही फिल्म में भी दिखाया गया है। ज़ेन समेत उसके सारे दोस्त एनोनिमस के मेंबर थे। तभी लास्ट में वो सभी लोग कह रहे थे कि एनोनिमस की जीत हुई। उन्होंने स्माइली नाम के एक किलर को बनाया जो चैट के समय लोगों को आके मारता था। अगर कोई 3 बार लिखता आई डिड इट फॉर द लुल्स, स्माइली तुरंत प्रकट हो जाता था और उसे मार डालता था। पहले इन लोगों ने स्माइली की 2-3 फेक वीडियोस वायरल करी और इन्होंने एक प्रैंक किया एशली के साथ जहां उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि स्माइली रियल है। एशली पुलिस के पास गई और उनसे मदद मांगी जिससे उन्हें भी स्माइली के बारे में पता चल गया और एशली की मौत से ये खबर पूरे शहर में फैल जाती और स्माइली एक वायरल सीरियल किलर बन जाता। लेकिन दोस्तों लास्ट में एशली जिंदा बच गई। अब आगे क्या होता है ये इसके सेकेंड पार्ट में पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि इस मूवी का सेकंड पार्ट आना चाहिए या नहीं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।